दुल्ला भट्टी ना होते तो लाहौर लाहौर ना होता, सलीम कभी जहांगीर ना हो पाता, मिर्जा साहिबा के किस्सों में संदल बार ना आता, पंजाब वाले दुल्ले दी वार ना गाते और जानो कि लोहड़ी भी नहीं होती। बागा बॉर्डर से लगभग 200 किलोमीटर पार पाकिस्तान के पंजाब में पिंडी भट्टियां हैं। वहीं लद्दी और फरीद खान के यहाँ 1547 में हुए राय अब्दुल्ला खान, जिन्हें दुनिया अब दुल्ला भट्टी बुलाती है। वो राजपूत या मुसलमान थे। उनके पैदा होने से 4 महीने पहले उनके दादा और उनके पिता को हुमायूं ने मरवा दिया था, खाल में भूसा भरवा कर गाँव के बाहर लटकवा दिया। वजह ये थी कि इन्होंने मुगलों को लगान देने से मना कर दिया था। आज भी पंजाब वाले हुमायूं की बर्बरता के किस्से कहते हैं, जैसे तेरा सांदल दादा मारिया दित्ता बोरे विच पा, मुगलां पुटियां खाला ला के भरिया नाल हवा। संदल भट्टी वो जिनके नाम पर नाम पड़ा था संदल बार का, संदल बार जिसका जिक्र मिर्जा साहिबा के किस्सों में आता है, पंजाब के लोकगीतों में आता है। सुल्तान बुलाया साहिबा ऐ की कित्ती कार, गरम रजाइयां छोड़ के तू मिली संदल बार, तू आख जवानी साहिबा तैनू मारा कहरे तकरार। दुल्ला भट्टी उस जमाने के रॉबिन हुड थे, हालांकि अकबर उन्हें डकैत मानता था। वो अमीरों से, अकबर के जमींदारों से, सिपाहियों से सामान लूटते, फिर गरीबों में बांट देते। अकबर की आंख की किरकिरी थे, इतना सताया कि अकबर को आगरे से राजधानी लाहौर शिफ्ट करनी पड़ी। लाहौर तब से पनपा है तो आज तक बढ़ता गया, पर सच तो ये रहा कि हिंदुस्तान का शहंशाह दहलता था दुल्ला भट्टी से। जब कम उम्र के थे तब दुल्ला भट्टी को बाप दादा का हश्र पता नहीं था, कुछ बड़े हुए तो पता चला। पता ना चलने की 2 वजह बताते हैं। पहली ये कि एक तो माँ ने बताया नहीं, दूसरी ये कि अकबर का बेटा जब पैदा हुआ तो कमज़ोर सा था। अकबर ने नजूमी बुलवाए, उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसी राजपूत औरत का दूध इसे पिलाओ जिसका बेटा सलीम की पैदाइश के दिन ही पैदा हुआ। वो राजपूत औरत थी लद्दी, सलीम की परवरिश लद्दी करती, सलीम और दुल्ला साथ ही रहते, इसलिए तब नहीं बताया, जब वापस लौटी तब बताया। दूसरी बात, हमें कहानी ज़्यादा लगती है क्योंकि दुल्ला भट्टी पैदा हुए थे 1547 में और सलीम 1569 में। बात कहानी की चली है तो दुल्ला और सलीम की भी एक कहानी है कि एक बार सलीम थोड़े से सैनिकों के साथ भटक रहा था, दुल्ला भट्टी ने पकड़ लिया पर कुछ किया नहीं, यूं ही छोड़ दिया, ये कहकर कि दुश्मनी बाप से है बेटे से नहीं। इसके अलावा लोहड़ी के बारे में कुछ बातें और फेमस हैं। ऐसा सुनने को मिलता है कि लोहड़ी तो मनाई जाती है क्योंकि भगवान कृष्ण ने लोहिता राक्षसी को मारा था जब वो गोकुल आई थी, पर ऐसे में दुल्ला भट्टी लोहड़ी से कैसे जुड़ गए, ये सवाल आता है। इसका भी एक किस्सा है। सुंदरदास किसान था उस दौर में जब संदल बार में मुगल सरदारों का आतंक था। उसकी 2 बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। गांव के नंबरदार की नीयत लड़कियों पर ठीक नहीं थी। वो सुंदरदास को धमकाता था कि बेटियों की शादी खुद से कराने को। सुंदरदास ने दुल्ला भट्टी से बात की। दुल्ला भट्टी नंबरदार के गांव जहां पहुंचा, उसके खेत जला दिए, लड़कियों की शादी वहीं करवा दी जहां पर सुंदरदास चाहता था, शगुन में शक कर दी। वो दिन है और आज का दिन है कि लोहड़ी की रात को आग जलाकर लोहड़ी मनाई जाती है और ये वाला गाना भी गाया जाता है। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाला दुल्ले दी तीवी आई, शेर शक्कर पाई कुड़ीदा लाल पताका, कुड़ीदा सालू पाटा, सालू कौन समेटे मामे चूरी कुट्टी, जमींदारा लुट्टी जमींदार सुधाए, गिन गिन पोले लाए, एक पोला कट गया जमींदार वोटी लेके नस गया, एक पोला होर आया जमींदार वोटी लेके दौड़ आया, सिपाही फेर के ले गया सिपाही नू मारी इट, पावे रोत पावे पिट, सानू दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, सानू दे दाने तेरे जीण न्याणे। ऐसा कहा जाता है कि अकबर दुल्ला भट्टी को नीचा दिखाना चाहता था, मारना चाहता था, एक बार दरबार में बुलाया ये कहकर कि बातें करें, पर साजिश ये थी कि दुल्ला भट्टी का सिर अकबर के सामने झुकवा सकें। दुल्ला के आने का जो रास्ता था वो ऐसा बनाया गया कि सिर झुकाकर ही आना पड़े, पर दुल्ला भट्टी भी सिर काहे झुकाएंगे, जहां सिर घुसाना था वहां उन्होंने पहले पैर डाल दिए और अकबर की जग हसाई हुई अलग। कहते हैं कि अकबर की 12,000 की सेना दुल्ला भट्टी को पकड़ नहीं पाई थी तो सन 1599 में धोखे से पकड़वाया, लाहौर में दरबार बैठा, आनन फानन फांसी दी गई, कोतवाली में पूरे शहर के सामने, कुछ कहते हैं कि लड़ाई में पकड़े गए, फांसी दिल्ली में हुई थी। मौत का सच जो हो वो हो, मौत के बाद का सच ये है कि मियानी साहिब कब्रगाह में
अब भी उनकी कब्र है। एक बात और इन तमाम बातों के साथ जोड़ दें कि ये सारी बातें लोक कथाओं से आई हैं। साल में संख्याओं में दावों में हेर फेर हो सकता है क्योंकि कैलेंडर के साथ कहानियां भी बदल जाती हैं। ये स्टोरी हमारे साथी आशीष ने की है, उसकी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी लोहड़ी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।